ये न्यूज किसी ने झूठी पब्लिसिटी लेने के लिए झूठी खबर फैलाई है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी बिल्डिंग बिल्कुल सेफ है, ये पूरी मार्केट में बिल्कुल सेफ है ये बिल्डिंग हमारी, ठीक है ना। बेफालतू की खबर फैलाई जा रही है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसी बिल्डिंग बनी है, ऐसी है, फेक न्यूज़ है, ये फेक फैलाई जा रही है। अब गाड़ी आपका पर बताया जा रहा है भूकंप के बाद बिल्डिंग झुक गई थी। ये झूठ है, ये झूठ। हमें न्यूज के माध्यम से पता चला कि भूकंप की वजह से एक बिल्डिंग में दरार आ गई है, तो अभी हम यहाँ मौके पर पहुंचे और मौके पर पहुंचकर मुआयना किया। वहाँ पर जो है ये जो बिल्डिंग बनी हुई थी ये पहले से ही ऐसी बनी हुई है, जो पड़ोसियों ने बताया है, जो गैप है ये पहले से ही बना हुआ है। भूकंप की वजह से किसी भी बिल्डिंग में कोई क्षति नहीं हुई है, ना ही कोई गैप आया। हाँ, लोगों ने बताया जब भूकंप आया पंखे तेजी से हिले थे और उसकी वजह से लोग निकल के बाहर आ गए। किसी असामाजिक तत्व ने जो है वीडियो बनाकर वो डाल दी, ये होप कॉल है। बाकी यहाँ किसी तरह की भूकंप की वजह से कोई क्षति नहीं आई है और सिचुएशन जो है अंडर कंट्रोल है, किसी तरह कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। जो बता रहे हैं बिल्डिंग झुकी हुई है, क्या ये पहले से झुकी हुई थी? हाँ, ये जो बिल्डिंग बनी थी जो गैप आया है वो पहले से ही है। भूकंप की वजह से इस बिल्डिंग के अंदर कोई गैप नहीं आया और किसी तरह की कोई भी क्षति नहीं हुई है। लोग सिर्फ भूकंप की वजह से बाहर आ गए थे, किसी असामाजिक तत्व ने वीडियो बनाकर वो डाल दिए और वो ट्रोल हो गई है। बाकी किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, हमने ऊपर से नीचे तक देखा है और सभी अड़ोसी पड़ोसियों से बात भी की है, किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो मैं ये अपील करूंगा कि आप किसी भी तरह की ऐसी होप कॉल ना करें और जो है जिससे कि लोगों को परेशानी हो, दिक्कत परेशानी हो। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि संयम बनाए रखें, किसी भी तरह की कोई सिचुएशन होती है उसमें संयम से काम लें और हड़बड़ाए ना और जल्दबाजी ना करें और ना ही जो है इसी तरह की कोई कॉल करें। हो कॉल्स करने की जरूरत नहीं है, अगर एक्चुअल में कुछ हुआ है तो कॉल करें। दिल्ली सिविल डिवीजन, दिल्ली पुलिस मौके पर मौजूद है, आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर है।